दगड़ियों, आपको मेरा प्रणाम। पहला तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है तो वो हो रही है अपने स्कूल से, मतलब जहाँ मैं पढ़ता था। और अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 6, तो अभी मैं इसलिए बाज़ार आ रखा था और सोचा क्यों ना स्कूल में जाऊँ और ब्लॉगिंग कर दूँ। तो यहीं से आज का जो ब्लॉग है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है, और मेरे साथ है शिवम और यशवीर भाई। और बता दो दगड़ो, जो मतलब मेरा स्कूल है तो लगभग 1-1.5 महीने से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने से। मतलब सभी मतलब यादें यही है। तो दगड़े बता दो कि जो मतलब यहाँ का जो व्यूज़ है वो कुछ बता देता हूँ। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दगड़े लगभग 1-1.5 महीने से मैं यहाँ स्कूल में आ रहा हूँ, तो सोचा कि आज स्कूल में आ जाए, तो इसलिए मैं आज यहाँ आ रहा हूँ। ये है बैक साइड में एमडीएम, मतलब यहाँ खाना बनता था, तो इसके आगे शायद लाइन लगती है। और साथ ही में मतलब बचपन में मतलब 6-7-8 से मतलब हम लोग इन्हें ना खाना खाया था कि परेशान हो जाते थे देने वाले भी। और यहाँ पर अब ये मेन चार्ट लग गया है, और इसमें लिखा गया है कि मतलब कौन सी सब्ज़ी और मतलब कौन सा क्या खाना बनेगा, मतलब कौन से वार को। तो दिखा दूँ दोस्तों कहाँ पर लिखा है। तो चलिए, तो दोस्तों यह है चार्ट जिसमें लिखा है। हो रखी है शाम और हम आ रखे हैं अपने स्कूल में। बाजार मार के थे लेकिन कुछ काम था तो इसलिए स्कूल में आ गए थे। और यह है मतलब 6 से 8 तक के स्कूल के मतलब जो कमरे हैं कक्षाओं के। और यह है एमडीएम, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है एमडीएम। और वहाँ चल रहा है गेम, उस साइड गेम चल रहा है, तो वहाँ है 8, 9 से और 12 तक का स्कूल, वो है कमरे। और हम लोग आ रखे हैं यहाँ, हमारे स्कूल सरकारी स्कूल। और यह है क्लास 7, तो यहाँ भी हमने बहुत पहले पढ़ा था इस क्लास में। और ये है क्लास 6, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। और दगड़े बता दो तो ये है क्लास 8, और ये है क्लास 11th भी शायद यहाँ रहते हैं। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, और ये यहाँ हमने बहुत ही मतलब यहाँ पर हम टेबल लगा देते थे जब हम 11वीं में थे। हेलो, तो बहुत मज़ा आता था बातों करने में। राम राम साहब। हेलो गाइस, हमारे यहाँ जो भाई की चाइनीज केक बहुत बढ़िया, तन्ना तोड़ गया। तो दगड़े यहाँ पर खेल लेते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो चौकांडो सीख रहे हैं, तो शायद उनका गेम होगा कुछ दिनों बाद, तो इसलिए वो यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं डेली शाम को। और इतने लड़के और लड़कियाँ हैं जो कि मतलब चाइनीज कीकर वगैरह वगैरह मतलब चौकांडो सीख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो दगड़े जो एक पूरी बिल्डिंग दिख रही है, तो ये भी हमारा एक स्कूल है, मतलब वही स्कूल है, मतलब ये ग्राउंड है जहाँ पर मतलब प्रेयर होती है सुबह। और ये हमारी क्लासें हैं मतलब 12 की, और स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, कार्यालय आदि। तो गाइस देख सकते हैं, छकना। तो ये है चौकांडो प्लेयर, तो ब्लॉग बंद सीख बोले ब्लॉग में। तो दगड़े यहाँ पर ये है हमारी टंकी, मतलब यहाँ हम पानी पीते थे, यहाँ के बिम। और
यहाँ से है, ये भी बना रखा है, अब पहले तो नहीं था लेकिन अब बना लिया है। और ये है कुछ पौधे, ये है 11th बी। वो कौन सी क्लास है भाई? 11th कोई हाल चाल? 11 ये 12 मैथ्स वालों के उनकी। ये है भाई साहब 12 में, और ये कितने में भाई? कितने में? 7th में है। इसका मतलब सर टकला हो रखा है इसलिए इसने टोपी लगा रखी है। और यहाँ से कुछ हमारे गांव का ये व्यूज आ रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन थोड़ा बहुत बता सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है भाई। कैसे हो आप? थोड़ा आप बताएंगे कि मतलब कैसा कैसा सीन है, क्या हो रहा है? ना यू नहीं बन गए पहले ब्लॉग में बोला क्या क्या हो रहा है आप पढ़ाई के साथ खेल के लोग कैसे टाइम निकाले? हाँ हम पढ़ाई के साथ बस कुछ नहीं करना है, रात को घर पर जाना है।